नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पृथ्वी दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा का लिया संकल्प। ज्वेलरी दुकान से 15 लाख रुपए के आभूषण ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। अमरपुर के धोबिया बांध से मिला महिला का सिर कटा शव। इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। रेड क्रॉस की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। डीएम ने रक्तवीरों का बढ़ाया हौसला। और गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बावजूद हो रहा है नाव का परिचालन। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर हवाई अड्डा परिसर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी प्रणव कुमार, क्षेत्रीय वन संरक्षक पदाधिकारी अभय कुमार, डीएफओ एस सुधाकर, डीडीसी सुनील कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जापानी टेक्नोलॉजी पर आधारित मियावाकी विधि से पौधारोपण किया गया। डीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और लोगों को 11 संकल्प का शपथ दिलाया। डीएम ने जिले में विभाग द्वारा 1 लाख से अधिक पौधारोपण किए जाने के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही। साथ ही वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से प्रकृति, मानव एवं समस्त जीवों की रक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं भागलपुर जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार भगत के नेतृत्व में पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत 2,51,00,000 पौधे लगाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने की बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी पर वृक्षारोपण जरूरी है। इधर पृथ्वी दिवस के मौके पर नाथनगर प्रखंड परिसर एवं मधुसूदनपुर ओपी परिसर में नूरपुर पंचायत के मुखिया आशा देवी, जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार तथा अन्य सदस्यों के द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही पीरपैती प्रखंड में पृथ्वी दिवस के मौके पर मानिकपुर पंचायत की मुखिया उषा देवी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पर्यावरण को बचाने हेतु सभी लोगों को जागरूक भी किया गया। जबकि बिहार सरकार के मंत्री रामनारायण मंडल द्वारा बांका के समुखिया स्थित भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया गया। वहीं अमरपुर में कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता द्वारा पौधा लगाया गया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने का संदेश सभी को दिया। आज 15% है, 30% करना चाहते हैं आने वाले समय, वो भी देखने का मौका मिलेगा। और इसी 15% हरियाली का ही बड़ा कारण है आज पर्याप्त बारिश भी हुई है और आगे जब वृक्षारोपण पर्याप्त होगा और ज्यादा वर्षा होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए आज बिहार में पृथ्वी दिवस रूप में मना रहे हैं और इसी क्रम में हम अपने बीजेपी कार्यालय के समक्ष 3-3 पौधे का पौधारोपण करने का काम किया है। भागलपुर के स्वर्णाभूषण की एक ब्रांडेड शोरूम में 15,73,000 रुपए की ठगी करने वाले कटिहार के ठग माँ और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 अगस्त को कटिहार से मां और बेटा शोरूम आए एवं ज्वेलरी पसंद कर 3 अगस्त को इस्टीमेट की मांग की, जिसके बाद दोनों फ्रॉड मां बेटे ने थर्ड पार्टी के नाम से पैसे को शोरूम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और फिर गहना लेकर चले गए। लेकिन इस बीच बैंक ने प्रतिष्ठान मालिक को फोन कर डिलीवरी नहीं करने की बात करते हुए गलती से पैसे ट्रांसफर होने की बात कही, जिसके बाद एक बार फिर दोनों माँ बेटे रविवार को शोरूम पहुंचे और आभूषणों को वापस लेकर पैसे को उसकी अकाउंट में ट्रांसफर करने का आग्रह करने लगे, जिसके बाद प्रतिष्ठान के मालिक ने कटिहार पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही कटिहार पुलिस के आग्रह पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों माँ बेटे को हिरासत में ले लिया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र संग्रामपुर गांव के समीप धोबिया बांध में एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की सुबह किसान खेत की ओर गए तो धोबिया बांध में एक बंद बोरे को तैरते हुए देखा। वहीं सिरकटी लाश देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि सूचना देने के करीब 3 घंटे बाद अमरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। घटनास्थल से पुलिस ने देशी शराब की 2 बोतल, 4 डिस्पोजल ग्लास और सिगरेट का पैकेट बरामद किया है, जबकि इसके अलावा पुलिस को एक माला एवं बांध में तैरता चप्पल भी बरामद हुआ है। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों के साथ युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। इस दौरान डीएम ने रक्तदान के लिए सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है,
जबकि जरूरतमंदों को समय पर इसका लाभ मिलता है। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस दीपक कुमार मिश्र, प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी, वरीय उपसमाहर्ता, रेड क्रॉस आपदा प्रभारी मनोज कुमार पांडे, ब्लड बैंक इंचार्ज समेत ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन और नर्स मौजूद थे। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद भी भागलपुर के गंगा तटों पर छोटे नावों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा गंगा में पूर्व से ही छोटे नाव सहित गैर लाइसेंसी नावों के परिचालन पर रोक लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके छोटी नावों का परिचालन गंगा में लगातार किया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा की धारा के बीच कई बार डगमगा कर नाव पलट चुकी है, जिसमें काफी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन घटनाओं के बाद भी लोग इससे सीख लेने को तैयार नहीं है। भागलपुर में हुए बहुचर्चित सृजन घोटाला को बिहार का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, और अब इस घोटाले पर बॉलीवुड में फिल्म बनने की तैयारी चल रही है। ये बातें भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने कही। विधायक ने कहा कि सृजन महाघोटाला होने से 3 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक केवल जांच के नाम पर कुछ अधिकारियों और छोटी मछलियों पर ही शिकंजा कसा गया है, जबकि सफेदपोश और बड़े मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो जनता एवं न्याय पर भरोसा करने वालों के साथ छलावा है। साथ ही अजीत शर्मा ने कोरोना महामारी एवं बाढ़ की त्रासदी को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार भी जनता को आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है। सितंबर महीना से एक फिल्म सृजन घोटाले पे रश्मि टेलीफिल्म बनाने जा रहा है और शूटिंग भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इसी पे है कि इतने बड़े घोटाला में कोई भी जो सूत्रधार है वो पकड़े नहीं गए, रुपया अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए पूरे बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है ताकि पूरे देश की जनता, विश्व की जनता जाने इतने बड़े घोटाला का बिहार सरकार और केंद्र सरकार कोई पर्दाफाश नहीं कर सका। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार की मजदूर विरोधी लेबर कोड बिल, राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण, महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ एक्टू एवं अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को भारत बचाओ दिवस के तौर पर मनाया गया। एक्टू व संबद्ध यूनियनों ने सुर्खीकल यूनियन कार्यालय, संयुक्त भवन परिसर स्थित पीएचडी कर्मचारी संघ कार्यालय सहित शाहकुंड, नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, बीपुर आदि प्रखंडों के कई गांवों में निर्माण व असंगठित क्षेत्रों के सैकड़ों महिला पुरुष मजदूरों ने सत्याग्रह कर अपनी मांगों को बुलंद किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एक्टू के राष्ट्र उपाध्यक्ष एसके शर्मा, राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, राज्य परिषद सदस्य सुरेश प्रसाद शाह, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के जिला सम्मानित अध्यक्ष विष्णु कुमार मंडल समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मोदी सरकार की मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला है। अभी मोदी सरकार 2 ने सत्ता में दोबारा सत्ता जो है हासिल करते ही 4 लेबर कोड बिल ला करके जो है मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला किया था और अभी देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और उसका निजीकरण करने के जरिए जो है राष्ट्रीय संपत्ति जो संवेदनशील है और उसको जो है पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है और देश को बर्बादी और विनाश की ओर ले जा रहा है। हम इस भागलपुर दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के 60वें स्थापना दिवस पर जिलाध्यक्ष अमित आनंद के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चों के बीच साबुन एवं मास्क का वितरण कर स्थापना दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को लुभाकर सत्ता में आई, लेकिन पिछले 6 सालों में 12,52,00,000 लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। मौके पर मुजफ्फर अहमद, आशुतोष राय, प्रशांत बनर्जी समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। एकचारी महागामा मुख्य मार्ग के चन्नो मोड़ के समीप रविवार को पंचायत वार्ड सचिव संघ ने अपने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान संघ के सदस्यों ने सम्मानजनक वेतन व सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। वहीं पंचायत वार्ड सचिव संघ के अनुमंडल अध्यक्ष नयन तिवारी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से सरकार के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना का कार्य बिना किसी मानदेय व भत्ता के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इससे संबंधित मांगों का ज्ञापन सांसद, डीएम, विधायक, वीडियो और पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपा गया है। भागलपुर में जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केंद्र के नए भवन का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत लाभुकों को अनुदान राशि एवं वाहन का वितरण कर जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चला रही है। डीएम ने डीटीओ समेत विभाग के अधिकारियों को नए भवन की शुभकामनाएं दी और कहा कि महज 1.5 वर्षों में परिवहन विभाग का नवनिर्मित भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 10 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ लोग परिवहन विभाग से संबंधित कार्य करा सकेंगे। इस दौरान बस स्टॉप के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। बता दें कि जिले के विभिन्न जगहों पर बस स्टॉप बनाया जाएगा। साथ ही सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी अधिकारियों को शुभकामना देते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम ने कोरोना संकट पर बोलते हुए कहा कि सरकार टेस्टिंग किट बढ़ाकर महामारी से बचाव के तमाम उपाय करने को तत्पर है, जबकि इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भवन निर्माण मंत्री समेत कई विभाग के मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या न हो, उनकी समस्याएं या शिकायतें हैं तो उसका त्वरित और समाधान हो, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने, आगामी विधानसभा चुनाव को 3 महीने के लिए स्थगित करने, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्रांति दिवस के अवसर पर 10 किलोमीटर की यात्रा कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमालपुर अम्बेडकर चौक से अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा प्रारंभ किया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों से होकर यात्रा जिला समाहरणालय पहुंची और जमकर नारेबाजी भी किया। जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने सुशासन सरकार पर जमकर भड़ास निकाला और कहा कि नीतीश सरकार कोरोना, बाढ़ और भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी है। 15 वर्षों से विकास कार्य का दावा करने वाले नीतीश कुमार केवल बिहार की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। राजद विधायक विजय कुमार विजय ने मुंगेर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधायक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितता पाई गई। अस्पताल के पुरुष एवं महिला वार्ड, आईसीयू और चाइल्ड आईसीयू के अलावा पूरे अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कई कमियां उजागर हुई। यही नहीं, अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आए। विधायक ने कहा कि अस्पताल प्रशासन व्यवस्था को नजरअंदाज कर रही है। अस्पताल प्रशासन के पास प्लाज्मा कलेक्शन मशीन महीनों पहले आ चुका है, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन से पूछने पर बताया गया कि लॉकडाउन के कारण इंस्टॉल करने वाले नहीं आ सके। अस्पताल में कहीं भी बाहरी लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी और न ही आईसीयू में सिर ढकने वाले कवर की व्यवस्था थी।
मौके पर डॉक्टर और नर्स भी बिना ग्लव्स के दिखे। हम गए सभी जगह, गए इमरजेंसी वार्ड, गए पुरुष वार्ड, गए महिला वार्ड, गए बच्चा वार्ड भी गए, लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि कोरोना के टाइम में जब लोग अपने नहीं सुरक्षित है, न दस्ताना किसी के हाथ में है, न हम लोग गए तो हम लोगों को कहीं कहा गया कि सर लीजिए, सैनिटाइज लीजिए, हाथ लगाइए। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पृथ्वी दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा का लिया संकल्प। ज्वेलरी दुकान से 15 लाख रुपए के आभूषण ठगी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। अमरपुर के धोबिया बांध से मिला महिला का सिर कटा शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। रेड क्रॉस की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, डीएम ने रक्तवीरों का बढ़ाया हौसला। और गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बावजूद हो रहा है नाव का परिचालन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।